अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी, शैतलाई में जश्न का माहौल। शैतलाई में युवा मोर्चा बिलासपुर के जिला कार्यकारी सोशल मीडिया प्रभारी नीरज कतना, कार्यकारिणी सदस्य राजीव ठाकुर, झंडुत्ता मंडल महामंत्री साहिल कौशल, मंडल सदस्य शिव कुमार, काका अमन, अर्पिता, संजू आदि ने जश्न मनाकर लोगों में लड्डू वितरित किए। युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी नीरज कतना की अगुवाई में शैतलाई मुख्य चौक में राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में नीरज कतना ने कहा कि भगवान श्री राम किसी संप्रदाय के लिए विशेष नहीं थे, वह हर समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हर संप्रदाय के लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि 500 साल से भी अधिक लंबे समय का इंतजार आज खत्म हुआ। मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। नीरज कतना ने कहा कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है और आज करोड़ों लोगों की उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस पर्व को ऐतिहासिक पर्व बनाने के लिए अपना योगदान दे। उन्होंने लोगों से कहा है कि वह अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करें और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। शाहतलाई से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पति रामचंद्र की जय। सिया पति रामचंद्र की जय। सिया पति रामचंद्र की जय। आज राम जन्मभूमि के अवसर पर सभी युवा मोर्चा व शाहतलाई के सभी निवासियों ने शहर में सभी दुकानदारों को जाकर मिठाई बांटी। आज जो 500 सालों से चलता आ रहा ये मुद्दा, जो हर किसी जो न्याय जो न्यायालय में न्यायालय से संपूर्ण होकर आज जिसमें 500 सालों से मुद्दा जो चला आ रहा था उस पर आज पूर्ण प्रतिबंध लग गया है और जिसमें से कई वीर सैनिकों व साधु संतों ने अपना पूरी उम्र निछावर कर दी आज मैं सभी देशवासियों से आशा करता हूं कि सभी अपने घर में जाकर सभी दीप प्रज्वलित करें और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्र की जय। पूरे भारतवर्ष में जो 500 सालों से राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो भी संकट पैदा हो रहे थे उन पर पूर्ण विराम आज लग गया है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का अवसर है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो इस पावन अवसर को सभी लोग पूरे खुशी से मना रहे हैं। तो सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि अपने घरों में कम से कम 5 दिए जरूर जलाएं, इस पावन अवसर को बड़ी ही खुशी से मनाएं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस पावन अवसर की खुशी में लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएं और राम मंदिर राम भगवान जी की पूजा करें और इस दिन को ऐतिहासिक पर्व बनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 साल से ये लड़ाई चल रही है और आज 5 अगस्त के दिन इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज खुशी मना रहा है कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आप सभी लोगों से आशा है कि आप अपने अपने घरों में यज्ञ और पूजन करेंगे और राम भगवान का नाम